यूपी की सरकार विकास को लेकर कई तरह के दावे करती है, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। आइए जरा सरकार के दावों की सच्चाई से आपको रूबरू करवाते हैं। ये सड़क देखिए, इस सड़क को आप भ्रष्टाचार की सड़क कहें तो भी गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस सड़क को सालों साल के लिए बनाया गया है वो एक दिन में ही उखड़ने लगी है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये सड़क सिर्फ एक दिन में ही उखड़ने लगी है। पूरा मामला बलिया के मनियर नगर पंचायत के नवका बाबा इलाके का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। सर, ये सड़क जो है बंद है, जो आ रहा है मनियर कस्बे में रोड, और जो है जो अभी पुल तक जाएंगे ट्रांसफार्मर है वहीं तक जो है बन रहा है, और तमाम इस पर जो है घोटाला हो रही है। अभी इसके पहले जिस समय जो है माननीय ठेकेदार साहब जो है इस पर काम लगाया, स्टार्टिंग के समय जो है उन्होंने बलुई मिट्टी का प्रयोग किया, मैं उस समय भी रोका था फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रोका था, तो उन्होंने कहा था कि जो है कि गिट्टी को जो है इधर उधर ना बिखरने के लिए मैंने इसका का प्रयोग किया। ठेकेदार उसका पता नहीं क्या आदत है, हालांकि ठेकेदार ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं होता, प्रशासनिक लोग जिम्मेदार होते हैं, जो बड़े लोग हैं जो ऊपर उनके उनका वरदहस्त होता है, मुझे लगता है कि वो जिम्मेदार है। स्थिति तो सब कोई देखता ही है, उड़ रहा है अभी, अब परसों बना है, आज काल बना है, आज उड़ रहा है। सड़क यही बना रहे हैं कि सफाई नहीं है बढ़िया, मिट्टी बह रहा है, नई नवेली सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अप्रैल 9 तारीख तक टेंडर इसका चला, टेंडर हमने भर दिया, टेंडर हमको मिल गया, नए चेयरमैन के कार्यकाल आते आते जो है वो कार्डर मिला, उसके बाद तभी से इस सड़क में झमेला हुआ है कि हम बड़े तो हम बड़े, पक्ष कह रहा है कि मेरी सड़क है मेरे हिसाब से बनना चाहिए, जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि हमारे तरफ से बनना चाहिए, इसे बनना चाहिए, जानबूझ करके मेरे को गांव के होने के नाते मुझे दबाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर पंचायत के जेई को दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और बदहाल सड़क की जानकारी अपने आला अधिकारियों तक पहुंचाई। सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, हम लोगों का बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगा हुआ था और लगातार एग्जाम में ड्यूटी कल मैं निरीक्षण करके गया था, वहाँ मौके पर टाइम को सही डाल दिया, टैक्स के इस कारण से मैंने इनको निर्माण भी कर दिया है कि जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे तब तक आप कोई भुगतान नहीं करेगा, और उसके लिए उसके का भुगतान भी करने का किया गया है, मतलब मैं तुरंत वर्तमान में ही मैंने अप्लाई किया हूँ और अभी भी कोई भुगतान नहीं, और जब सरकार सही हो जाएंगे उसके बाद भी कुछ कराया जाएगा कार्य को सही करने के लिए। सुना आपने, जिम्मेदार कह रहे हैं कि ठेकेदार का पेमेंट रोक दिया गया है और सड़क को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, लेकिन आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है, जो सड़क एक दिन में जवाब देने लगे आखिर वो कैसे ठीक होगी, ठीक हो भी जाएगी तो कितने दिनों का साथ देगी। बहरहाल ये सड़क भ्रष्टाचार की बानगी भर है, जिस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो माना जाएगा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, और ये फर्क आने वाले चुनाव में दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।